नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दुनिया के दो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉग ब्रीड के बीच में, वो है जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्की। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ओरिजिन, जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की का ओरिजिन रशिया से है। बार्किंग, साइबेरियन हस्की जर्मन शेफर्ड के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बार्क करते हैं। पॉपुलैरिटी रैंक, जर्मन शेफर्ड की पॉपुलैरिटी रैंक 3 है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की की पॉपुलैरिटी रैंक 12 है। यूजर्स रेटिंग, यूजर्स रेटिंग में जर्मन शेफर्ड को 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग मिली है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की को 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग मिली है। प्लेफुलनेस, जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्की दोनों को ही खेलना कूदना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। बाइट फोर्स, जर्मन शेफर्ड की बाइट फोर्स 238 PSI की होती है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की की बाइट फोर्स 320 PSI की होती है। टेम्परामेंट, जर्मन शेफर्ड की टेम्परामेंट क्यूरियस, अलर्ट, करेजियस, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, ओबीडियंट, लॉयल और वॉचफुल होती है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की की टेम्परामेंट अलर्ट, इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और जेंटल होती है। हाइट, जर्मन शेफर्ड में मेल्स की हाइट 60 सेंटीमीटर टू 65 सेंटीमीटर तक की हो सकती है और फीमेल्स की हाइट 55 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की में मेल्स की हाइट 53 सेंटीमीटर टू 61 सेंटीमीटर तक की हो सकती है और फीमेल्स की हाइट 51 सेंटीमीटर टू 56 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। वेट, जर्मन शेफर्ड में मेल्स की वेट 32-40 केजीज तक की हो सकती है और फीमेल्स में 22 केजीज टू 32 केजीज तक की हो सकती है, तो वहीं साइबेरियन हस्की में मेल्स की वेट 20 केजीज टू 27 केजीज तक की हो सकती है और फीमेल्स की वेट 16 केजीज टू 23 केजीज तक की हो सकती है। वॉच डॉग एबिलिटी, जर्मन शेफर्ड दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वॉच डॉग में आती है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की बिल्कुल भी अच्छे वॉच डॉग नहीं होते हैं। सोशल नीड, जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्की दोनों को ही एवरेज सोशलाइजेशन करवाने की ही जरूरत पड़ती है। इंटेलिजेंस रेटिंग, जर्मन शेफर्ड को इंटेलिजेंस रेटिंग में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग मिली है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की को 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स की इंटेलिजेंस रेटिंग मिली है। अपार्टमेंट फ्रेंडली, दोनों को ही आप किसी भी साइज के अपार्टमेंट में आसानी से रख सकते हैं। इनको अपार्टमेंट में रखने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइटिंग पोटेंशियल, जर्मन शेफर्ड की बाइटिंग पोटेंशियल बहुत ही हाई है, वहीं पे साइबेरियन हस्की की बाइटिंग पोटेंशियल बहुत ही लो है, यानी ये लोगों को बहुत ही कम बाइट करते हैं। प्राइज, जर्मन शेफर्ड का एक पपी आपको 15,000 टू 25,000 के बीच में मिल जाएगा, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की का एक पपी आपको 30,000 टू 50,000 के बीच में मिल जाएगा। साइज, जर्मन शेफर्ड लार्ज साइज के होते हैं, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की मीडियम साइज के होते हैं। कोट एंड कलर्स, जर्मन शेफर्ड शॉर्ट कोट और लॉन्ग कोट दोनों में ही पाए जाते हैं और ये ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड टेन और सिल्वर कलर में पाए जाते हैं, तो वहीं पे हस्की सिर्फ लॉन्ग कोट में आते हैं और ये ब्लैक एंड ग्रे, रेड एंड वाइट कलर में पाए जाते हैं। ग्रूमिंग, जर्मन शेफर्ड को एवरेज ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की को एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रूमिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनेबिलिटी, जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग देना बहुत ही आसान होता है, तो वहीं पे साइबेरियन हस्की को ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई भी कमांड आसानी से नहीं सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़िद्दी पर्सनैलिटी के होते हैं। शेडिंग लेवल, जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्की दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शेड करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग कोट में भी आते हैं। स्ट्रेंजर्स फ्रेंडली, वैसे तो जर्मन शेफर्ड स्ट्रेंजर्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, लेकिन इनको अच्छे से सोशलाइजेशन करवाया जाए तो ये स्ट्रेंजर्स के साथ भी फ्रेंडली रह सकते हैं, बट साइबेरियन हस्की स्ट्रेंजर्स के साथ पूरी तरह से फ्रेंडली रहते हैं, इनको उतने सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यारो, आज का कंपैरिजन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।